स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा कि IPS फ्लोरिंग क्या होती है। अक्सर आप इसका नाम सुने होंगे लोग कि IPS फ्लोरिंग क्या होती है, देखे भी होंगे कई जगह, करके लोग नहीं समझ पाते कि IPS फ्लोरिंग होती क्या है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा आज दोस्तों। पहले तो मैं आपको बताऊँ IPS का नाम, पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है, मैं लिख देता हूँ, इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग, इसका पूरा नाम होता है। फिर इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट। अक्सर आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों कि इसको क्या क्या बोलते हैं, सीमेंट, कॉन्क्रीट, फ्लोरिंग, ये दोनों में से कहीं भी नाम एक ही है तो समझो ये IPS फ्लोरिंग की बात हो रही है। वैसे तो ये जहाँ टेक्निकल में लिखा जाता है वो IPS फ्लोरिंग ही लिखते हैं, फिर तो सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग का यूज करते हो आगे वाले। अगर इसका मैं आपको डायमेंशन वगैरह बताऊँ कैसे यूज करते, समझ जाइए अपना कहीं बॉटम सरफेस है यहाँ पे हमें IPS फ्लोरिंग करनी है, ठीक है दोस्तों। ये बॉटम हो गए, हम क्या करते हैं इसमें, जो इसमें दो टाइप के हम लोग मटेरियल यूज करते हैं। ये हमारा समझो करीब 25 to 50 mm, इसमें हम लोग एग्रीगेट कॉन्क्रीट जो भी है M20 या जो इसका माल बनाते हैं, या फिर तो हम लोग M20 का यूज करते हैं या फिर M15 का, यानी इसमें 1.5-3 या फिर 1-2-4। अक्सर इसमें हम लोग कॉन्क्रीटिंग का रेशियो यूज करते हैं। फिर इसके ऊपर हम दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे इतने एरिया में जो होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे 1:2 का सीमेंट सैंड का एक मोटर बनाएंगे और इस पर करीब 10 से 15 mm जैसा डाल के करते। और इसके ऊपर जो आएगी दोस्तों, मैं थोड़ा इस पे अलग करता हूँ, जहाँ पे इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये आती है सीमेंट सैलरी। इसको सीमेंट सैलरी बोलते हैं ऊपर। तो पहले हमारा क्या होगा, ये एग्रीगेट इसमें M20 या M15 का जो भी कॉन्क्रीट हम बना के डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम सीमेंट और सैंड का 1:2 रेशियो में मिक्स करके हम लोग डालते हैं। इसके ऊपर अपन सीमेंट का जो घोल होता है सेलरी बोलते हैं, बना के उससे अच्छे से प्लास्टर कर सकते हैं। जो अब एक इमेज में मैं डाल रखा हूँ उसमें दिखता होगा कि कैसे सीमेंट का फिनिशिंग आती है। तो ये ऊपर होता है दोस्तों, बाकी ये इसमें जो ये सीमेंट मोटर का थिकनेस, इसको कम से कम 10 mm to 15 mm इसका हम लोग रखते हैं थिकनेस, ये सीमेंट मोटार का जो थिकनेस होगा उसके हिसाब से हम लोग ये डिजाइनिंग करते हैं दोस्तों। और आगे इसमें बात करें दोस्तों को, इसमें एग्रीगेट की, क्योंकि इसमें स्टोन की बात हो रही है, इंडियन पेटेंट स्टोन, इसमें स्टोन और एग्रीगेट की बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं जो ये इन दोनों में जो इस वाली है जो 50 to 50 mm का है, इसमें हम एग्रीगेट यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग कम से कम जो हमारा डाया रहेगा एग्रीगेट का, तो वो यूज करते हैं हम लोग 10 mm to 40 mm के बीच में जो एग्रीगेट आता है वो हम यूज करते हैं। जो मैक्सिमम साइज है वो 40 mm है और मिनिमम साइज है वो 10 mm है। और ये जो सैंड हमारा इसमें यूज होगा IPS फ्लोरिंग में, ये जो कॉन्क्रीट के ऊपर, ये हमारा कम से कम 6 mm जैसा होना चाहिए। बाकी अपन सैंड यूज करते हैं जो भी हो तो करें वो 6 mm से छोटा भी ना हो और 6 mm के आसपास रहे तो इसकी जो बेंडिंग है वो अच्छे से बनेगी, ठीक है दोस्तों। इसका अगर हम आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें मैंने कैसे कैसे बताई आपको, कैसे इसका फ्लोरिंग का मतलब जो बेस डिजाइन होता है, तो ये चीज़ आ गई। इसमें कोई कटिंग नहीं दोस्तों, बस M20 का है, बाकी 1:2 का सैंड और बाकी सीमेंट। ये जो सीमेंट का सिल्ली डालते हैं ये भी मस्ट होता है, क्योंकि ये सीमेंट की सिल्ली आती है वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए, पूरी फिनिशिंग के साथ वो दिखता है अच्छे से, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है वो IPS फ्लोरिंग। ये अक्सर यूज कहाँ होता है दोस्तों, आपने वाटर टैंक वगैरह देखा होगा, वहाँ पे इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे
अब मान लो ये वाटर टैंक है, मैंने कंक्रीट की पूरी एक वाटर टैंक बनाई है ऐसे, ये उसका नीचे का बेस राफ्ट हो गया, ये दोस्तों उसका कंक्रीट हो गई, ये जो वॉल है इसकी तो वॉल हो गई, ये वॉल हो गई ठीक है, ये कंक्रीट की वॉल हो गई इसकी। तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों वो तो ये वॉल में आ गई, इधर ये वॉल आ गई, सॉरी ये हंच भी ऐसे लगाते हैं अपन, तो ये जो पोर्शन पे आएगा दोस्तों इधर, इसी पे अक्सर हम लोग वाटर टैंक वगैरह जहाँ भी बनाते हैं, लीजिए ट्वेल लोज टैंक हो, इस पर हम लोग IPS की फ्लोरिंग करते हैं, जो सीमेंट सरली का घोल बना के हम लोग पूरा इस पर अच्छे से फिनिशिंग कर देते हैं ताकि पानी वगैरह का लीक ना हो। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, ये डैम प्रूफ होता है, पूरा डैम को रजिस्टर्स करता है, जैसे जो पानी का लीकेज वगैरह है अगर अच्छे से हमने फिनिशिंग करके इस पर लगा दिया तो ये रजिस्टर करता है पूरे अच्छे से। अगर इसका एडवांटेज की बात करें दोस्तों हम लोग, इसके एडवांटेज ऑफ IPS फ्लोरिंग, तो अगर एडवांटेज की बात करें तो पहले तो ये ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है दोस्तों, अगर क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम अच्छी फिनिशिंग होती है तो ये ड्यूरेबल होता है, अगर हम लोग टैंक वगैरह में बना दिए तो भी अच्छा चलता है दोस्तों। और इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब ये काफ़ी स्पीड टू कंस्ट्रक्शन, ये काफ़ी स्पीड से हम इसको चाहें तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तीसरी चीज में आपको होता है ये भी, ये जो साइड में आता है डैम प्रूफ होता है, यानी ये डैम को रजिस्टर्स करता है पूरा पूरा, इससे डैम्पनेस नहीं आती, जो अपना सीमेंट घरों में आ जाती है तो वो इससे खतरा कम हो जाता है कि डैम्पनेस कम नहीं हो जाएगी। चौथा होगा ये फायर रजिस्टेंस, ये फायर को पूरा रजिस्ट करेगा ठीक है दोस्तों। ऐसे इसके काफ़ी एडवांटेज होते हैं IPS फ्लोरिंग के, अक्सर हम लोग यूज करते हैं IPS फ्लोरिंग का जो भी। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि IPS फ्लोरिंग क्या होती है, बाकी मैंने थोड़ा बहुत इसका एडवांटेज बता दिया और जो भी चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेन इनका ये पोर्शन है, इसका जो डिज़ाइन है जो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये चीज़ें मेन होती हैं, तो इसमें आप समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें अगर कंस्ट्रक्ट करना कहीं IPS फ्लोरिंग का तो कैसे करेंगे। और इसमें दोस्तों मेन ये सीमेंट सेलरी होती है, जो सीमेंट सेलरी अच्छे से ऊपर से फिनिशिंग आ जाती है वही IPS फ्लोरिंग का मेन एक पार्ट होता है सीमेंट फिनिशिंग, क्योंकि तो कॉन्क्रीटिंग का काम हम लोग फ्लोरिंग टाइल्स वगैरह लाते जाते हैं छोटे मोटे, तो भी वहाँ पे फ्लोरिंग बनाने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं, मगर उस पर थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि IPS फ्लोरिंग होती क्या है, ये एक छोटा सा वीडियो था IPS फ्लोरिंग को लेकर। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।